नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस YouTube चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में, जो कि हेल्थ केयर सेटिंग में यूज होते हैं। इनकी क्या प्रोसेस होता है, इनको वियर करने का, डोनिंग क्या होता है, डॉफिंग क्या होता है, और क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, उन सब चीजों की बात करूंगा मैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और फिर कमेंट और लाइक जरूर करना करें। तो शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विच इज यूज इन हेल्थ केयर सेटिंग एंड थिंक सेफ्टी फर्स्ट वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो क्या होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? इट इज एन स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग और इक्विपमेंट वर्न बाय एन एम्प्लॉय फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन मटेरियल। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ये डेफिनेशन दी है कि एक स्पेशल क्लॉथ है जो कि पहना जाता है एम्प्लॉय के द्वारा इन्फेक्शियस मटेरियल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। जैसे अभी कोरोना के अंदर पीपीई पहना जाता है, इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। तो इन्फेक्शन से खुद को बचाने के लिए पहना जाने वाला एक प्रोटेक्टिव मटेरियल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहलाता है। क्या पर्पज है इसके? तो पहला पर्पज है टू एंश्योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सेफ्टी, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी सेफ्टी को एंश्योर करना। सबसे पहला पर्पज है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सेफ्टी को एंश्योर करना। दूसरा टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड देयर अटेंडेंट, पेशेंट और उनके अटेंडेंट की सेफ्टी को एंश्योर करना। तीसरा टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, हेल्थ केयर एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उनको प्रिवेंट करना, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकना। और टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टराइल फील्ड, स्टराइल फील्ड को कंटामिनेशन होने से प्रिवेंट करना। तो ये इनके मेन चार पर्पज है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि पीपीज का मेन पर्पज क्या है, खुद की सेफ्टी या पेशेंट की सेफ्टी, तो दोनों की सेफ्टी एंश्योर हो रही है। आप देख रहे हो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सेफ्टी और सेफ्टी एंश्योर करना अटेंडेंट की, पेशेंट की, है ना। और इसके अलावा क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, और इसके अलावा स्टराइल फील्ड जो है कंटामिनेटेशन होने से प्रिवेंट करना। ये चीजें जो है मेन पर्पज रहते हैं हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज करने के। ये चारों पर्पज आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन हेल्थ केयर सेटिंग, कौन कौन से काम में लिए जाते हैं। पहला है ग्लव्स, ग्लव्स काम में लिया जाता है हैंड के प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा है गाउन और एप्रिन, ये काम में लिया जाता है स्किन और दूसरे क्लोथिंग के प्रोटेक्शन के लिए। अगला है मास्क एंड रेस्पिरेटर्स, ये प्रोटेक्ट करते हैं माउथ नोज, और रेस्पिरेटर्स प्रोटेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जो एयरबोर्न इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने को रेस्पिरेटर्स। और गॉगल्स जो प्रोटेक्ट करते हैं आईज को, और फेस शील्ड जो प्रोटेक्ट करते हैं फेस को, माउथ को, नोज को और आईज को, है ना। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के हेल्थ केयर सेटिंग में? ग्लव्स, हैंड का प्रोटेक्शन, गाउन और एप्रन, स्किन और क्लोथिंग का प्रोटेक्शन, मास्क और रेस्पिरेटर्स, माउथ नोज का प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटर्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जो एयरबोर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनका, गॉगल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करें आईज का, और फेस शील्ड प्रोटेक्ट करें फेस, माउथ, नोज एंड आईज का। सीक्वेंस क्या होती है डोनिंग की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के? तो देखिएगा सीक्वेंस क्या होती है, अगर एक्सपांडेड प्रिकॉशन एक चीज होती है और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एक चीज होती है। अगर एग्जाम में ज्यादातर स्टैंडर्ड का पूछा जाता है, तो अगर आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से पूछे तो सबसे पहले गाउन पहनो, फिर मास्क पहनो, फिर गॉगल्स और फेस शील्ड पहनो, फिर ग्लव्स पहनो। फर्स्ट गाउन, फिर मास्क, फिर गॉगल्स, फिर ग्लव्स, है ना। ये तरीका रहता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का। जी एम जी जी, जी एम मतलब गुड मॉर्निंग, जी जी दो बार गुड मॉर्निंग, जी जी, है ना। तो ये तरीका है गाउन, फिर मास्क, फिर गॉगल्स, फिर ग्लव्स, ये सीडीसी गाइडलाइन के अनुसार है। और अगर एक्सपांडेड प्रिकॉशन है तो आपको वहां पे सू कवर पहले पहनना है, फिर आपको कैप पहनी है, फिर आपको फेस मास्क पहनना है या N95 मास्क पहनना है या फेस शील्ड पहनना है, फिर आपको गॉगल्स पहनने हैं, हैंड वॉश करना है, फिर आपको गाउन पहनना है, फिर आपको ग्लव्स पहनना है। ये सीक्वेंस रहती है अभी एक्सपांडेड प्रिकॉशन, जैसे हम कोरोना के अंदर काम में ले रहे हैं एक्सपांडेड प्रिकॉशन, तो यहाँ पे हमें सू कवर, फिर हमें कैप, फिर हमें फेस मास्क और N95 मास्क, फेस शील्ड, फिर गॉगल्स पहनने होते हैं, फिर हमें हैंड वॉश करके गाउन, और फिर हमें ग्लव्स पहनने होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पीपी विल अफेक्टेड सीक्वेंस बी प्रैक्टिकल, है ना। जो जब पीपी का कॉम्बिनेशन आता है तो इसकी सीक्वेंस अफेक्ट हो सकती है, तो वहां पे हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, ये लाइन ऐसे कह रही है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ये कहते हैं कि ये सीक्वेंस होनी चाहिए, गाउन पहन लो, मास्क पहनो, फिर गॉगल्स पहन के, फिर ग्लव्स। तो एग्जाम में जब पूछा जाता है आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, है ना। एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, तो आपको पता होना चाहिए पहले गाउन, फिर मास्क, फिर गॉगल, फिर ग्लव्स। ये सीक्वेंस आपको याद रखने, ये किसकी सीक्वेंस है? डोनिंग की। डोनिंग का मतलब पहनने का तरीका,
पहनते समय पीपी को किस तरीके से पहना जाता है? गाउन, मास्क, गोगल और ग्लव्स। तो सू कवर, डोनिंग के समय ये सू कवर है ना, सूज के ऊपर इस तरीके से कवर आपको दिख रहे हैं, ये सू कवर कहलाते हैं ना, सूज को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, ये सू कवर है। ये कैप है, सर्जिकल कैप, डोनिंग के समय इस तरीके से इसको वियर किया जाता है, तो ये सर्जिकल कैप है जिसको हमने यहाँ पे वियर किया, आपको दिख रहा है, ये सर्जिकल कैप कहलाती है कैप। ये आईज और फेस प्रोटेक्शन के लिए हम लगाते हैं शील्ड। पोजीशन करें गोगल को ओवर आईज एंड सिक्योर टू द हेड यूजिंग द ईयर पीस और हेड बैंड, है ना, ईयर पीस से इसको सिक्योर करते हैं गोगल्स को। पोजीशन फेस शील्ड ओवर फेस एंड सिक्योर ऑन ब्रो विद हेड बैंड, एडजस्ट टू फिट कंफर्टेबली। फेस शील्ड और गोगल्स ये दोनों इस तरीके से उनको एडजस्ट करना होता है पीछे की तरफ, उसको एंश्योर करके जो है वहां पे एडजस्ट करके वहां पे जो है सिक्योर करना होता है। तो गोगल्स और फेस शील्ड ये दो चीजें काम में लेते हैं फेस के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए, है ना। पहला हमने काम में ले लिया वहां पे सू कवर, फिर हमने कैप काम में लिया, फिर हमने गोगल्स और फेस शील्ड वहां पे काम में ले लिया। गाउन को किस तरीके से पहना जाता है, तो अप्रोप्रिएट साइज आपकी सिलेक्ट कर लो कि आपको किस साइज का गाउन आता है। उसके बाद में बैक से उसकी ओपनिंग होती है, हमेशा गाउन में ओपनिंग बैक साइड के अंदर होती है, तो ओपनिंग इज इन बैक, ओपनिंग कहाँ होती है, बैक के साइड में। फिर सिक्योर कर दो एट नेक एंड वेस्ट, अपनी नेक पे उसको सिक्योर कर लो, पहनते समय नेक पे सिक्योर कर लो। अगर गाउन जो है वो बहुत छोटा है तो यूज टू गाउन, दो गाउन यूज कर लो, गाउन वन जो है वो टाई कर दो फ्रंट में और गाउन टू है वो टाई कर दो बैक में, है ना। अगर गाउन बहुत छोटा है तो दो गाउन पहन लो, बाकी अप्रोप्रिएट साइज का एक गाउन काम में लेना होता है। और ये पीछे की तरफ जो है वो टाई होता है गाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाउन यूज करना होता है। ये गाउन का तरीका है, डोनिंग और रिमूवल प्रोसीजर यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप दोनों प्रोसीजर देखे, डोनिंग कैसे हो रही है, कैसे गाउन में अंदर से हैंड को डाला जाता है, फिर पीछे की तरफ से उसको टाई किया जाता है ना, टाई करने का पूरा तरीका, फिर रिमूवल का तरीका, इनवर्ड आउटवर्ड कैसे किया जाता है, कैसे इसको वहां पे गोल से वो रोल करके उसके बाद में उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो ये पूरा तरीका है ये डाउन गाउन को पहनने का और उसको डॉफ करने का। नेक्स्ट है ग्लव्स की डोनिंग, डोन ग्लव्स सबसे लास्ट में करते हैं, ग्लव्स की डोनिंग सबसे एंड एंड में की जाती है। करेक्ट टाइप और साइज का ग्लव्स आप सेलेक्ट कर दो, इंसर्ट करो हैंड ग्लव्स के अंदर, एक्सटेंड करो ग्लव्स को ओवर आइसोलेशन गाउन कफ, जो ग्लव्स है उसको गाउन का तो आगे वाला हिस्सा है उसके ऊपर तक खींच के वहां पे रखना होता है ग्लव्स को अच्छे से पहनने के लिए। तो ग्लव्स जो है उसको डोन करने का तरीका है करेक्ट साइज, फिर एक हैंड इंसर्ट करो ग्लव्स में, और डोमिनेंट हैंड हमेशा जो है पहले पहनते हैं, नॉन डोमिनेंट बाद में पहनते हैं, जैसा पिक्चर में दिखाया हुआ है, राइट हैंड में यहाँ पहले पहना जा रहा है, लेफ्ट में बाद में पहनते हैं। तो ये पूरा तरीका है ग्लव्स को डोनिंग करने का। आफ्टर वियरिंग वी हैव टू नो द सीक्वेंस ऑफ रिमूविंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई को रिमूव करने की सीक्वेंस क्या होती है। ये हमने वियर करने की सीक्वेंस पहनी, पहनने की सीक्वेंस देखी, अब रिमूव करने की सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा। रिमूव कैसे करते हैं पीपीज को, तो पीपीज को रिमूव करते समय सीक्वेंस रहती है, सबसे पहले ग्लव्स, है ना, जिनको हमने सबसे लास्ट में पहना वो यहाँ सबसे पहले निकलेंगे, फिर आप फेस शील्ड और गोगल्स को रिमूव करो, फिर आप मास्क और फिर आप गाउन को रिमूव करो, उसके बाद में कैप और सू कवर का नंबर आएगा। तो रिमूवल की सीक्वेंस के अंदर पहनते समय तो जो है हमने जो है गाउन पहले पहना, फिर मास्क पहना, फिर गोगल्स पहने और फिर ग्लव्स पहने। निकालते समय जो है ग्लव्स पहले निकालते हैं, फेस शील्ड और गोगल्स जो है वो बाद में निकालते हैं, फिर वहां पे मास्क रहता है और फिर वहां पे गाउन रहता है ना। तो पहनने का तरीका गाउन, मास्क, गोगल्स और ग्लव्स, निकालने का तरीका ग्लव्स, गोगल्स, मास्क, गाउन, उसके बाद में कैप और सू कवर। तो ये आपको याद रखना है रिमूविंग का सीक्वेंस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किस तरीके से रिमूव करते हैं, वियर करने की सीक्वेंस, रिमूविंग सीक्वेंस, दोनों से सवाल बनता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का से क्या फायदा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, वो भी हमने अभी पढ़ा, हमने पहनने का तरीके की बात की, हमने निकालने के तरीके की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आपको बहुत काम आएगी, इनको अच्छे से लर्न करिएगा, और अगर आप वास्तव में कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो एक काम करिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट है ग्लव्स को रिमूव कैसे करते हैं, तो ग्लव्स को ग्रास्प करो आउटसाइड ऐसे रिस्ट के पास से, पील करो उसको हैंड के हैंड से दूर की तरफ, और टर्न करो ग्लव्स को इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की तरफ उसको टर्न करो,
होल्ड करो ऑपोजिट ग्लव्स हैंड को, स्लाइड जो है अनग्लव्ड फिंगर जो है वो अंडर द रिस्ट ऑफ द रिमेनिंग ग्लव्स एंड पील ऑफ कर दो इनसाइड से आउटसाइड, एक बैग के अंदर उसको क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो। तो ये तरीका है दोनों ग्लव्स को एक साथ किस तरीके से निकाला जाता है, एक ग्लव्स को निकाला उसको दूसरे के अंदर पकड़ के इनवर्ड आउटवर्ड करके दोनों को एक साथ करके फिर उसको रिमूव कर देते हैं। पिक्चर के अंदर बहुत क्लियर है, आप आराम से देख सकते हो। पहले एक हैंड का ग्लव्स यहाँ पे रिमूव करना स्टार्ट किया जा रहा है, ये स्टार्ट किया जा रहा है, ये उसको पूरा रिमूव करके दूसरे हाथ के अंदर पहले ग्लव्स को पकड़ लिया, दूसरे हाथ में पकड़ने के बाद दूसरे जो हाथ अब एक्सपोज हो चुका है उस हाथ से दूसरे हाथ वाले ग्लव्स को इनवर्ड आउटवर्ड किया जा रहा है, ये इनवर्ड आउटवर्ड किया जा रहा है, ये पूरा इनवर्ड आउटवर्ड हो गया, दोनों ग्लव्स एक साथ हो गए, अब इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये तरीका है ग्लव्स को रिमूव करने का, डिस्कार्ड करने का। अब गॉगल्स और फेस शील्ड कैसे रिमूव करते हैं, तो ग्रास्प करो ईयर और हेड पीस को अनग्लव्ड हैंड से, और उसके बाद में लिफ्ट करो फेस से, है ना, लिफ्ट अवे फ्रॉम फेस से, थोड़ा दूर ले जाओ इसको, फेस शील्ड को इस तरीके से फेस से दूर ले जाना होता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, और डेजिग्नेटेड जो रिसेप्टेबल है वहां पे उसको प्रोसेड करके डिस्पोज कर दो। तो ये रिमूव करने का तरीका है फेस शील्ड को, गॉगल को रिमूव करने का तरीका और फेस शील्ड को रिमूव करने का तरीका, दोनों तरीके हमने यहाँ पे देखे हैं। नेक्स्ट है गाउन को रिमूव कैसे करते हैं, तो पहले अनफास्टन टाई, टाई को खोलो, उसके बाद में पील गाउन, थोड़ा उसको दूर ले जाओ अवे फ्रॉम दी नेक एंड शोल्डर से दूर ले जाओ, टर्न करो कंटामिनेटेड आउटसाइड टुवार्ड दी इनसाइड, है ना, अंदर से बाहर की तरफ उसको टर्न कर दो ताकि कंटामिनेटेड हिस्सा अंदर रह जाए, इस तरीके से रोल कर दो, अंदर से बाहर की तरफ रोल कर दो, और फोल्ड करके रोल करके उसको बंडल बना के क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो। फोल्ड करो, रोल करो, बंडल बनाओ और फिर क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो। ये रिमूवल का तरीका है गाउन। फिर मास्क को कैसे रिमूव करते हैं, तो मास्क को सबसे पहले अनटाई करो बॉटम से, और उसके बाद में टॉप वाले हिस्से को अनटाई करो, है ना, पहले बॉटम से अनटाई करो और फिर टॉप वाले, दो लेसेज होती है तो बॉटम वाले को अनटाई करो फिर टॉप वाले को अनटाई करो और फिर रिमूव कर दो फेस से और उसको डिस्कार्ड कर दो। सिंपल तरीका, बॉटम से अनटाई करो फिर फेस से अनटाई करो, सुपीरियर वाला अनटाई करो और फिर उसको रिमूव कर दो अप्रोप्रिएट जगह पे, ये मास्क को रिमूव करने का तरीका। तो हमने यहाँ पे पढ़ा गाउन को रिमूव करने का तरीका, मास्क, ग्लव्स, सब चीजों को किस तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है। सब करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, परफॉर्म हैंड हाइजीन इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग पीपी, तो हटने के बाद तुरंत हैंड हाइजीन करो। इफ हैंड बिकम विजिबली कंटामिनेटेड ड्यूरिंग पीपी रिमूवल वॉश हैंड बिफोर कंटिन्यूइंग टू द रिमूव पीपी, अगर बीच में आपको गंदे दिख रहे हैं तो पहले हैंड वॉश करके फिर पीपी हटाओ। वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर और बेस्ड ऑन एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब से या सोप एंड वाटर दोनों से हैंड वॉशिंग आप कर सकते हो, हैंड वॉशिंग करनी जरूरी है, पीपी के दौरान भी कर सकते हो पीपी के बाद में भी, क्लीन हैंड जो होते हैं वो लाइव को सेव करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। सो पीपी का ये पूरा तरीका हमने पढ़ा, हमने पहनने का तरीका, हमने निकालने का तरीका, जो भी अवेलेबल टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट इन द हेल्थ केयर वर्क प्लेस यू हैव टू यूज, नो वॉट टाइप ऑफ पीपी इज नेसेसरी फॉर द ड्यूटी यू परफॉर्म एंड यूज इट करेक्टली, ड्यूटी के दौरान कौन सा पीपी इंपॉर्टेंट है, क्या पहनना चाहिए, क्या सारे पहनने चाहिए, क्या एक पहनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसाइड होता है, आपको वहां पे प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, लेकिन हमने मोटे तौर पे स्टैंडर्ड बातों की यहाँ पे बात की, बाकी अकॉर्डिंग टू द नीड वहाँ पे पीपी को यूज किया जाता है, लेकिन यूज जरूर करें क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर यही एकमात्र तरीका है जो आपका प्रोटेक्शन कर सकता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पहनने का तरीका, रिमूविंग का तरीका, ये स्टेप वाइज हमने यहाँ पे पढ़ा, इसके डेफिनेशन हमने पढ़ा और इसके ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और एक काम जरूर करें जो भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, आप वास्तव में कुछ अच्छा पा रहे हैं तो किसी एक इंसान के पास में ये अच्छा ही पहुंचाने की पूरी कोशिश करें ताकि वो भी इस तरह के कंटेंट का फायदा उठा सके, तो उसका भविष्य भी एक अच्छी जगह पे पहुंच सके। हमारा जो उद्देश्य है उसको फुलफिल करने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप बिल्कुल सहयोग करें और मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचाने के अंदर इस एक छोटी सी जो है एक छोटी सी हमने जो सोच लेके चली है उस सोच में अपना भागीदार बने। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो और नई एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।